मैंने जैसे बताया कि कला, कार्यशीलता, कलाकार का हाथ और प्राथमिक प्रकार का हाथ, ये तीन प्रकार के हाथ मैंने आपको बताए। इस तीन प्रकार के हाथ में कलात्मक प्रकार का हाथ जो है ये दोनों हाथों से मेल नहीं खा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम मिलापक की बात हाथ से भी करेंगे तो यहाँ भी हम जान सकते हैं कि किस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति को किस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति से जीवन निर्वाह करने में आसानी होगी, सरलता होगी। बहुत अच्छी जानकारी दी रीटा बहन। अभी अगले प्रश्न के ओर बढ़ते हैं। हथेली में चिन्ह, तिल, दाग इत्यादि के प्रभाव संदर्भ में समझाए एवं यह भी स्पष्ट करें कि कुछ ऐसी मान्यताएं है कि तिल जैसे चिन्ह यदि हथेली की मुट्ठी के अंदर समा जाए तो शुभ माना जाता है, तो क्या आप सच ये बात सच है या नहीं? देखो, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है क्योंकि तिल, दाग, चिन्ह ये काफी सारी चीजें हैं जो हस्तरेखा परीक्षण के समय पे काफी सारे छोटे छोटे पुस्तक पढ़ने के बाद भी ये क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे हाथ में तिल है, मेरे हाथ में क्रॉस है, मेरे हाथ में ये चिन्ह है तो ये होगा वो होगा, यानी कि अनेक मान्यताएं। तो ये मान्यताओं को शास्त्रार्थ करने के लिए शास्त्र की व्यवस्था के अधीन हम अगर ये बताते हैं तो ये कहेंगे कि हस्तरेखा में हाथ जो है वो हमारा आईना है जी। तो जैसे आईने में किसी भी प्रकार का दाग मान्य नहीं है जी। इस परिस्थिति के आधार पे हाथ के अंदर जो आईना कहते हैं हाथ को, तो हाथ में आईने के अंदर दाग हम पसंद नहीं करते। इसी तरह हाथ में भी किसी भी प्रकार का चिन्ह हो या दाग हो या किसी भी प्रकार के अशुभ व्यवस्थाएं आपको दिखे तो वो मान्य नहीं है। तो वहां पे वो कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक कष्ट का सूचन करता है। जैसे कि हम काफी सारी व्यवस्थाओं को इसमें रोग के प्रति समस्या बढ़ना बिंदु किसी भी प्रकार का रोग दे सकता है, आरोग्यता का विचलित होना, खराब होना या आरोग्यता में कहीं ना कहीं खामी या त्रुटियां होना ये संभवतः बढ़ सकता है। यहाँ अमुक पहाड़ के ऊपर, कई कई पहाड़ों के ऊपर आपको कैसे बिंदु या कैसे तिल दिखाई दे तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बात देखेंगे कि गुरु के पहाड़ पे यदि काला बिंदु हो, यदि काला बिंदु हो या किसी भी प्रकार का दाग हो, जैसे कभी कभी छोटे बच्चों को हाथ में या पैर में या पीठ में दाग होते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये वारसे में आया हुआ दाग है, लाखा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दाग की बात करेंगे तो गुरु के पहाड़ पे यदि दाग हो, बिंदु हो, जैसे काला तिल की आपने बात की जी, यदि काला तिल भी हो गुरु के पहाड़ पे तो यहाँ कहीं ना कहीं आगे हमने देखा कि गुरु पाचन शक्ति का कारक है जी। जी जी, सही बात। तो यहाँ पे पाचन शक्ति में कहीं ना कहीं मंदता होना, कमी होना, तकलीफ होना या पाचन शक्ति से जुड़े हुए कुछ रोग के प्रश्न होना संभव बन जाता है। दूसरा, हम शनि पर्वत की बात करेंगे। जैसे गुरु के बाद हम शनि को सोचेंगे तो शनि पर्वत पर भी काला तिल, काला दाग या किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह जो है वो जोड़ों के दर्द देता है। शनि क्या करता है? जोड़ों को पकड़ता है। तो यहाँ जोड़ों के दर्द देने का काम संधिवात का ये भी प्रमाण आपको शनि के पहाड़ के ऊपर कहीं ना कहीं बिंदु दिखाई दे तो आपको ये बिंदु और दाग के वजह से उसका परिणाम आपको देखने मिलता है। रोग के प्रमाण में बढ़ावा देना या रोग को प्रेरित करना या रोग दिखना ये सारी चीजें आपको शनि के पहाड़ से दिखती है। इसके अलावा हम सूर्य की बात करेंगे तो कभी कभी किसी के नेत्र की तकलीफ होती है, किसी को हड्डियों की तकलीफ होती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीजें जो है वो सूर्य के पहाड़ के ऊपर काला दी हो, तिल होना, दाग होना, किसी भी प्रकार की अशुभता, अशुभ चिन्ह होना ये सारा इसके ऊपर प्रभावित करता है, ये सारे रोगों को प्रभावित करता है सूर्य से जुड़ा हुआ। फिर बुध के पहाड़ पर देखते हैं, किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन की एलर्जी होती है, नए चप्पल लाए तो डंक लग जाते हैं, नए कपड़े पहने तो किसी को खुजली हो जाती है, ऐसे काफी सारी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो स्किन से जुड़ी हुई है। तो जी हाँ, तो ये बुध से जुड़ा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं बुध के पहाड़ पे काला तिल है या बिंदु है या किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह है तो ये बुध के पहाड़ पर देखने पर वो आपको प्रभावित करता है कहीं ना कहीं त्वचा में या वाणी में, क्योंकि बुध जो है वो वाणी का भी कारक है। तो यहाँ बुध वाणी के संबंध में भी बाधाएं उत्पन्न करता है और त्वचा के बारे में भी कहीं ना कहीं आपको रोग या पीड़ा देता है जी। जी, फिर शुक्र की बात करेंगे, यानी कि सारे ग्रहों को हम एक एक बारी बारी देखेंगे कि हर एक के पास कुछ कुछ जानने मिलता है कि कौन से पर्वत पे कौन सा दाग या तिल होता है तो कैसे परिणाम देता है जी। यहाँ बुध के बाद हम शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र के पर्वत पर यदि काला तिल हो या बिंदु हो तो ये जातीयता का समस्या, शुक्राणु का कारक है।
तो ये शुक्र के अणु में कहीं ना कहीं कमियां, जातीयता में समस्या निर्देश करता है कमी, और यस जातीयता की समस्या बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं शुक्र के शुक्राणु में कमी होना, संतान की उत्पत्ति में बाधाएं होना, या किसी भी प्रकार की, जैसे मैंने बताया कि शुक्र रॉयल्टी का कारक है, या पर्सनालिटी का कारक है, या हम साज सज्जा का कारक है, तो यहाँ हर चीज में वो कमी दिखाई देगी, या कहीं ना कहीं बाधाएं दिखाई देगी, तकलीफ जो है वो शुक्र के साथ दिखती है। इसके बाद गुरु के पर्वत पर चौकड़ी का चिन्ह जो सुखी वैवाहिक जीवन देता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जनरली हम जब सिखाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि चौकड़ी का चिन्ह अशुभ होता है जी। लेकिन एक अपवाद में शास्त्रकारों ने ये बताया है कि जब गुरु के पहाड़ पे चौकड़ी का निशान आया, ये मैंने सुना था इसलिए मैं ये प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गुरु के पहाड़ पे यदि चौकड़ी का चिन्ह होता है तो ऐसे जातक को गुरु के पहाड़ पे आई हुई चौकड़ी शुभ मानी गई है जी। परिवार के साथ अच्छा लगाव होना, सुख संपत्ति होना, समृद्धि होना, ये सारी चीजें गुरु के पहाड़ पे चौकड़ी होने पर आपको मिलती है, और वही व्यवस्था आपको गुरु के पहाड़ के साथ देखने मिलती है सिर्फ चौकड़ी की वजह से। ये चौकड़ी का चिन्ह जो है वो जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत शुभता देता है। और यदि इस चौकड़ी के चिन्ह के अलावा दूसरी जगह रहेगा तो, दूसरी जगह चौकड़ी का चिन्ह रहता है तो हर जगह वो शुभ फल नहीं देता नहीं। है, क्योंकि चौकड़ी का चिन्ह जो है वो अशुभ चिन्ह है। तो सिर्फ गुरु के पहाड़ पे ही शास्त्रकारों ने उसको शुभ माना गया है, तो यहाँ हम सिर्फ गुरु के पहाड़ पे आया हुआ चौकड़ी का चिन्ह शुभ मानते हुए उसका शुभ परिणाम ले सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं चौरस का चिन्ह होता है, तो ये शुभ चिन्ह जो है इसमें चौरस का चिन्ह यदि अखंड हो, यानी कि यहाँ पे हम चिन्हों की बात करेंगे तो चिन्हों में यहाँ स्क्वायर का चिन्ह यदि यदि यहाँ पे समझ लो चंद्र के पहाड़ पे स्क्वायर का चिन्ह है, ये चिन्हों के बारे में दिखाया है इसमें, यदि चिन्ह स्क्वायर का चिन्ह चंद्र के पहाड़ पे हो तो आगे हमने जैसे बताया कि यात्रा प्रवास या विदेश यात्रा की बात करेंगे, या मनमानी करने की बात करेंगे, या अपने मन के मुताबिक चलने वाली बात करेंगे, तो यहाँ ये शुक्र के चंद्र के पहाड़ पे जो स्क्वायर का चिन्ह है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। वेरी गुड, यहाँ अच्छा प्रभाव देगा कि विदेश जाते हुए कुछ रुकावटें आती है तो स्क्वायर का चिन्ह हुआ तो रुकावट नहीं आएगी। और यहाँ ये पर्व यदि टूटा हुआ, यानी कि ये चौरस का चिन्ह जो है वो ब्रेक है, टूटा हुआ है, अखंड नहीं है जी। तो इस परिस्थिति में वो अखंड न होते हुए चंद्र के पहाड़ से जुड़ा हुआ जो भी काम है, जो भी व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां कमियां खड़ी करेगा, कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करेगा, उसका अशुभ परिणाम आपको देता है। स्वस्तिक ध्वज मत्स्य इत्यादि चिन्ह शुभ माने गए हैं जी। हाँ, ये शुभ चिन्ह माने गए हैं। ये देखो मैंने यहाँ बताया है कि आपको स्वस्तिक का चिन्ह बृहस्पति के पहाड़ पे, यानी गुरु के पहाड़ पे स्वस्तिक का चिन्ह है, तो यहाँ इंसान की धार्मिक वृत्तियां बढ़ना या धार्मिक प्रवृत्ति में ज्यादा रुचि रखना, ये व्यवस्थाएं आपको स्वस्तिक चिन्ह के साथ, यस यस, ये व्यवस्थाएं आपको इसके साथ दिखती है। यहाँ पे कमल का चिन्ह होना, शुक्र के ऊपर कमल का चिन्ह होना, तो ये कमल भी शुभ चिन्ह माना गया है, तो यहाँ धन की वृद्धि होना, धन की वृद्धि होने का अनुमान दिखाता है, यस जैकपॉट होना। इसके बाद हम ध्वज की बात करते हैं, तो ध्वज कहीं ना कहीं आपकी यश कीर्ति नामना प्रतिष्ठा सत्ता को बढ़ाने वाला, आपकी ध्वजा फरकाने वाला, और कहीं ना कहीं देवी देवस्थानों से जुड़ा हुआ शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करता, मंदिर बांध सकता, यस डेफिनेटली जीर्णोद्धार में कहीं ना कहीं आपका योगदान रहेगा, ये आपको ये ध्वज का चिन्ह बता रहा है। तो ये कुछ शुभ चिन्ह है जो उस परिस्थिति को कहीं ना कहीं हम हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं। काफी सारे बारीक बारीक प्रश्न हमारे जीवन में रहते हैं, जो रोज बरोज के जीवन में रोज नए प्रश्न आते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, या कल क्या करेंगे, या नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, या कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो शुभ और अशुभ चिन्हों से जुड़ा हुआ होता है, उसका हम अनुमान हस्तरेखा के माध्यम से लगाया जा सकता है। उसके लिए अभ्यास करते भाई बहनों के लिए ये एक व्यवस्था कहूंगी कि यदि किसी इंसान के हाथ में आज ध्वज दिख रहा है, 15 दिन महीने दिन के बाद शायद ना दिखे, तो ये परिस्थितियों को आप फोटोग्राफ में कैच करके रख सकते हैं, उसको दो व्यवस्थाओं को साथ में देख सकते हैं, पहले की व्यवस्था, अब की व्यवस्था, और जब होने वाली व्यवस्था होती है तो उसमें जो इवेंट मैंने जैसे बताया कि बदलते हैं,
तो ये निशानियां, ये चिन्ह, ये बिंदुओं के साथ में जो भी व्यवस्था है उसको आगे और पीछे की व्यवस्था को जोड़ते हुए, समानता देखते हुए आप निर्णय कर सकते हैं, आगे पीछे का निर्णय कर सकते हैं, आगे जीवन में समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आपको प्रेरणा मिल सकती है। यस, उसमें से आपको काफी सारी प्रेरणाएं मिल सकती है। और चिन्ह के बारे में, जैसे अशुभ चिन्हों की बात करेंगे तो अशुभ चिन्हों की बात करेंगे तो काफी सारे अशुभ चिन्ह यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं। ये चौकड़ी का निशान है, ये आपको टूटी हुई रेखा है, टूटी हुई रेखाएं जो है, और ये है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी यानी कि सर्पाकार की रेखाएं, उसको टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं कहेंगे। यहाँ जाली के जैसे यानी सांकड़ी वाली हुई है, चेन रहता है, उस चेन प्रकार की जो रेखाएं वो दिख रही है। यहाँ पे आपको जाली जैसा दिख रहा है, शुक्र के पहाड़ पे जाली का चिन्ह दिख रहा है। यहाँ टेढ़ी रेखाएं हैं और मणिबंध में टूटक टूटक रेखाएं हैं जी। यहाँ पे गुरु का पर्व, जैसे आगे हमने चर्चा की कि अच्छा माना गया, शुभ माना गया, मैं रेड कलर में आपको बताया। इसके बाद हम अशुभ चिन्हों की बात करेंगे, अशुभ व्यवस्थाओं की, अशुभ चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो ये अशुभ चिन्ह जो ये रेखाएं हैं, ये रेखा जो हमारे शनि के पहाड़ पे जाती हुई रेखा आपको दिखाई देगी, ये शनि के पहाड़ पे जाती हुई रेखा जो है, हम ये नीचे से निकलती हुई अगर रेखाएं टूटी टूटी हुई ऊपर तक जाती है तो ऐसे जातक का भाग्य उदय हर थोड़े समय के बाद बदलता है, यानी कि थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है, थोड़ा थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो थोड़े थोड़े समय पे कहीं ना कहीं कटौती या ब्रेक या कुछ ना कुछ समस्याओं के साथ, यस, यानी कि लगातार वो चीज उनको जीवन में नहीं प्राप्त होती है। थोड़ा संघर्ष करे, प्राप्त किया, फिर संघर्ष करे, प्राप्त किया, वहां ब्रेक जहां जहां पे दिखाई दे रहा है उस व्यवस्था को हम कहीं ना कहीं आगे जाके वर्ग में जब सिखाते हैं तो ये उम्र के बारे में भी सिखाते हैं कि कौन सी उम्र में कौन सी व्यवस्थाएं आपको देखने मिलती है। तो ये टूटक टूटक रेखाएं जहां टूटती है वहां से आप ये टूटक रेखा को कहीं ना कहीं नुकसान या तकलीफ या परेशानी का सूचन करता है, उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। ये जाली का चिन्ह जो है वो शुक्र के पहाड़ पर होने की वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक समस्याएं होना। अच्छा, जाली का चिन्ह ये दिखता है। यस, वैवाहिक व्यवस्थाओं में समस्या दिखना। आगे हमने जैसे देखा शुक्र के पहाड़ की बात की, शुक्र के प्रभाव की बात की, यहाँ शुक्र के प्रभाव में अशुद्धता देखना, मतलब कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव में कमी दिखाने की व्यवस्था करता है। और यहाँ जो है वो सांकड़ी का चिन्ह है, तो सांकड़ी का चिन्ह और ये भाग्य रेखा को जोड़ता हुआ यदि सांकड़ी का चिन्ह होता है, यानी कि भाग्य रेखा टूटी हुई है और उसको जोड़ते हुए सांकड़ी का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि के लिए सांकड़ी जो है वो इंसान को बहुत ज्यादा समस्याओं के साथ फलता देता है, जब शुभ फल देने जाता है तो ये अशुभ चिन्ह है, इसलिए शुभता में कमी लाता है। कहीं ना कहीं ये भाग्य की जुड़ी हुई बात करेंगे कि जब भाग्योदय होगा कि नहीं होगा, या कौन सी उम्र में भाग्योदय होगा, या भाग्योदय कितना होगा, या हमेशा हम खुश रहेंगे या कभी कभार खुश रहेंगे, या कौन से समय में खुश रहेंगे या कौन सी उम्र में खुश रहेंगे, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हम ये टूटक रेखाओं के आधार पे और अखंड रेखाओं के आधार पे हम कर सकते हैं। यानी कि भाग्य रेखा हमने आगे देखी कि मूल मणि के मणिबंध के मूल से लेके शनि के पहाड़ पर जाती हुई सीधी रेखाएं जो है जी, ये भाग्य की रेखाएं कहलाई जाती है। जैसे प्रतिमा बहन आपके हाथ में है, भाग्य रेखाएं सीधी ऊपर जा रही है, तो ऐसे कहेंगे कि ऐसे जातक का भाग्योदय बहुत अच्छा होता है और ऐसे जातक सब सुख सुविधाओं से पूर्ण होते हैं। यहाँ पे टूटक रेखा हमने देखी, अशुभ रेखा देखी, तो यही रेखाएं ये बताती है कि यहाँ भाग्योदय में कहीं ना कहीं अड़चनें बाधाएं और परेशानियों के साथ भाग्य का सूचन करती है। मेरा अगला कॉम्बिनेशन वाला प्रश्न यह है कि जी, आधुनिक समस्याओं जैसे कि लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप का प्रकार के प्रचलन कैसे परखे? बहुत ही आधुनिक समाज के यक्ष लव मैरिज आपने बताया और लिव इन रिलेशनशिप, ये प्रश्न आधुनिक समाज का अब यक्ष प्रश्न बन गया जी, है जी, जी। क्योंकि वर्तमान में इसे गंभीरता से सोचना जरूरी है। ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती है, इसे समस्या भी कह सकते हो और अच्छा भी कह सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोगों को इसमें से राहत भी मिलती है और काफी सारे लोगों को परेशानियां भी मिलती है। तो ये मुख्य जो बातें हैं वैवाहिक जीवन के लिए या रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, या लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, या शुक्र से जुड़ा हुआ प्रेम प्रकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जरूरी है कि प्रेम प्रकरण के लिए हम शुक्र के पहाड़ को लेंगे। तो यहाँ मैंने आपको शुक्र का पहाड़, ये जो घेराव बताया हुआ है ये शुक्र है जी। तो ये जो हिस्सा है वो शुक्र का हिस्सा है जी। यहाँ ये शुक्र के हिस्से की बात करेंगे तो यही बात थी कि शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्ह यदि शुक्र के पहाड़ पर है,
यदि यहाँ शुभ चिन्ह है तो शुक्र का पहाड़ जो है वो ज्यादा प्रभावित होगा, यदि अशुभ चिन्ह है तो ऐसा जातक प्रभावित कम होता है। और ऐसे जातक को कहीं ना कहीं शुक्र कंकण, शुक्र परत में भगिनी रेखाएं साथ में चलती हो, सपोर्टिव यानी कि सपोर्ट रेखा वो साथ में चलती हो, तो ऐसा जातक एक से ज्यादा संबंधों में या रिलेवेंट रिलेशनशिप में या प्रेम प्रकरण में प्रभावित होता है। और ऐसे जातक के जीवन में ऐसी प्रसंग बनते हैं, ऐसे घटनाएं बनती है। और प्रमुखता गौण पर्वत, प्रमुख पर्वत, प्रमुख रेखाएं, गौण रेखाएं इत्यादि सारी व्यवस्थाओं का आधार लेते हुए रूढ़िवादी विचारों के साथ साथ वेद, इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति, प्रेम, ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था को समझना होता है कि ऐसे जातक विवाह करेंगे या सिर्फ रिलेशनशिप में रहेंगे। तो यहाँ हम आगे के जैसे निरस्ता की बात के ऊपर एक शनि का प्रश्न था अपने पास, तो हम इस प्रश्न को यहाँ पे जोड़ेंगे कि शनि के साथ ये निरस्ता को भी प्रभावित करता है और पर्सनल लेवल पे अपनी इच्छाओं के आधार चलना चाहता है। बहुत अच्छी जानकारी दी रीटा बहन, बहुत ही मजा आया, बहुत सबको अच्छा लगा रहेगा ये हमारा सेशन। और आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करें और सब्सक्राइब करें जरूर जरूर। प्रतिमा मेहंदी थैंक यू सो मच, आपका भी खूब खूब आभार। मैं आप सभी गुणीजनों का भी आभार मानती हूँ, मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं संस्था की भी आभारी हूँ और आपकी भी आभारी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी रीटा बहन, थैंक यू सो मच। हरिओम हरिओम हरिओम, थैंक यू प्रतिमा मेहंदी।